हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये मैक्सिकन टैकोस जो घर में बनाना बहुत आसान है और इसे मैंने गेहूं के आटे से बनाया हुआ है और खाने में बहुत टेस्टी, एकदम बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसके लिए मैंने, वैसे तो ये मैदे से बनती है लेकिन मैंने इसे हेल्दी बनाने के लिए गेहूं के आटे का यूज़ किया है। 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है और इसके बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डालूंगी। आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल मत डालिए क्योंकि इससे इसमें स्मेल आ जाती है। और इसको अच्छे से हमें इसको क्रम्बलिंग टेक्सचर, जैसे क्रम्बल टेक्सचर होता है उस तरह तक हमें इसको लाना है हाथों से मिक्स करके। ये देखिए, इसका क्रम्बल टेक्सचर हो जाता है, बिल्कुल क्रम्बलिंग टेक्सचर। और अब इसको हम सादे पानी के साथ इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो है और इसके बाद थोड़ा सा हम ऑयल इस पर ग्रीस कर देंगे ब्रश से और इससे क्या होगा, आटा सॉफ्ट रहेगा। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे करीब 15 मिनट के लिए। अब एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, इसको गर्म करने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। और ये 3 मीडियम साइज की स्लाइस अनियन है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, बस अब ये इतनी ही हम फ्राई करेंगे, हमें इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। इसको हम अब बाहर निकाल लेंगे और इसी पैन में मैं 4 में रेड चिली फ्राई कर रही हूँ, साबुत लाल मिर्च, इसको हमें फ्राई करके अलग निकाल लेना है। मैक्सिकन खाना थोड़ा सा तीखा होता है तो इसमें आप रेड चिली चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं भी है तो इसका हम चिली फ्लेक्स बनाएंगे, तो अगर नहीं भी है तो आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या रेडीमेड चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। 3 पोटैटो मैश है, ये अनियन, ये चिली है और वो अनियन है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक में डाल करके मिर्च में इसको क्रम्बल कर लेंगे नमक के साथ, तो एकदम से बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें हम पहले ये प्याज को मिक्स कर लेंगे और फिर इसके में पोटैटो जो मैश करके हमने लिए थे 3, इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें सॉल्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि सॉल्ट हमने आटे में भी डाला हुआ है, अगर आप कम ज़्यादा खाते हैं तो डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने चॉप कोरिएंडर इसमें यूज़ किया है, मिक्स कर लेंगे और इसको अलग रख देंगे। अब आटे को हम एक बार सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा दोबारा से नीट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसके बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसके बॉल्स बना लेंगे। अब इसको हम जैसे हम रोटी बेलते हैं, एक चपाती, उस तरह से हम बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इसके आपको दिखा देती हूँ मैं, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, स्मॉल चपाती के रूप में बनाएंगे, बहुत बड़े भी बना सकते हैं आप रोल की तरह, इतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और इसको हम सेक लेंगे तवे पर। अभी मैंने तवे पर कुछ नहीं लगाया है, बस इसको हाफ कुक करना है क्योंकि हम इसको बाद में भी सेकेंगे। अलट पलट करके सेक लेना है इसको और जब इस पर थोड़े से, जैसे हम रोटी सेकते हैं तो ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, बस उतना ही हमें इसको सेकना है। इस तरह से ये देखिए, इस पर ब्राउन स्पॉट आ गए हैं, बस हमें इतना ही रखना है इसको। अब हम इसी तरह से बाकी रोटियां सेक लेंगे, सब सेक लिए हैं मैंने। अब इस पे हम सबसे पहले टमाटो सॉस इस पे हम लगा देंगे रोटी पर और इसके ऊपर हम, मैंने थोड़ा मोजरेला चीज़ लिया है, अगर आपके पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो प्रोसेस या क्यूब चीज आता है आप वो भी ले सकते हैं। हाफ पार्ट पे ही इसका लगाना है हमें। अब इसके ऊपर हम जो हमने पोटैटो मिक्सचर बना के रखा था वो इस पर स्प्रेड कर देंगे और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ दोबारा से स्प्रेड कर देंगे और इसको हाफ पार्ट जो है इसको फोल्ड कर देंगे हम इस तरीके से और बहुत हल्के हाथों से हमें इसको प्रेस करना है। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेते हैं और फिर हम इसको पैन पर, मैं
उसको थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे या बटर में, जिसमें भी आप सेकना चाहते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसको हम बहुत से दोनों तरफ से इसको ऑयल लगा करके जैसे हम पराठे सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको सेक लेना है। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी बहुत हैं, क्योंकि ये हमने इसमें कोई मैदा का यूज़ नहीं किया है, गेहूं के आटे से बनाया है। तो आप इसको घर पर बना करके आराम से बच्चों को खिला सकते हैं। सारे हमारे रेडी हो गए हैं, इसको हम थोड़े से धनिया पत्ती से मैं गार्निश कर दूंगी। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।